मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर में बिरसा ब्रिगेड के जनजातीय सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम कमलनाथ ने कहा कि जब भी उन्हें आदिवासी बुलाएंगे तो वे दौड़े चले आएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। इंदौर के दशहरा मैदान में बिरसा ब्रिगेड ने जनजातीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ और एनसीपी नेता शरद पवार ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कमलनाथ जैसे ही सम्मेलन में पहुंचे तो आदिवासियों में जोश आ गया। वहीं उन्होंने शहीद बिरसा मुंडा, टंटिया भील सहित आदिवासी महानायकों को श्रद्धांजलि दी। संबोधित करते हुए सीएम कमलनाथ ने महानायक बिरसा मुंडा, टंटिया मामा की वीर गाथा को याद करते हुए आदिवासी समुदाय की जमकर तारीफ की और कहा कि वे आदिवासी समाज के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। जब आदिवासी उन्हें बुलाएंगे तो वे दौड़े चले आएंगे। चिंता मत करिएगा, ये आपके ऊपर है, आपके प्रतिनिधियों के ऊपर है, आपके संगठन के ऊपर है कि आप सरकार के पीछे लगकर, आपके हॉस्टल की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, आपके भविष्य की बात हो, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आने वाले समय में हम अपने मध्य प्रदेश के आदिवासी भाइयों, मध्य प्रदेश के आदिवासी ब्लॉक का एक नया इतिहास बनाएंगे, एक नया नक्शा बनाएंगे। ये मेरा आपको आश्वासन हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मुझे भोपाल निकल जाना है, मुझे अन्य कार्यक्रम है भोपाल में आज गणतंत्र दिवस है, तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, पर जब भी आप मुझे बुलाएंगे, जब भी आप पुकारेंगे, कमलनाथ आपके बीच में मिलेंगे। दरअसल बिरसा मुंडा ब्रिगेड द्वारा ये जनजातीय सम्मेलन आदिवासी समुदाय को भारत के मूल निवासी होने का संवैधानिक सम्मान की मांग करते हुए आयोजित किया गया, जहां कमलनाथ ने अपने संबोधन से आदिवासी लोगों का दिल जीतने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।